आज हम देखने वाले हैं हमारे फुट के टार्सल बोन के फ्रैक्चर के बारे में, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स है, सर मेरे को इस तरह का फ्रैक्चर हुआ है या मेरे को टार्सल बोन का फ्रैक्चर है, ये कितने दिन में जुड़ जाते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको जैसे कि इन बोन का फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, और फ्रेंड जब आपको फ्रैक्चर हुआ है लगभग कितने दिन में आपके जुड़ जाता है। तो इन सभी कमेंट्स और आपको इसकी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं हमारे टार्सल बोन यानी हमारे फुट के टार्सल बोन के बारे में। फ्रेंड उससे पहले हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा इनके एनाटॉमी के बारे में, ये हमारी बोन किस तरह की होती है, यहाँ पर किस तरह की संरचना का निर्माण करती है, तो उसे हम बोलते हैं एक तरह से एनाटॉमी। तो फ्रेंड जैसे ये हमारा फुट है, फुट को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, हाइंड फुट, मिड फुट और फोर फुट। यानी वर्डों से आप समझ लिया, हाइंड को एक तरह से पीछे वाला और या फिर छुपा हुआ, मिड को बीच में और फोर को आगे वाला। तो हमने इस तरह से तीन भागों में डिवाइड कर दिया। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कॉलम, एक तो मतलब लेटरल कॉलम और मिडिल कॉलम, यानी बाहर से कैसा दिखाई देता है और अंदर से कैसा, यानी मिडिल साइड से कैसा दिखाई देता है। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हाइंड फुट। हाइंड फुट के अंदर हमारी पाई जाती है कैल्केनियम, टेलस, नेवकुला और कुबोइड बोन। अब फ्रेंड ये सभी बोन मिलकर आपस में एक जॉइंट बनाती है, यानी जब दो बोन मिलेगी तो वहाँ पर एक तरह से जॉइंट मिलता है, जैसे कि टेलस नेविकुलर, तो यहाँ पर हो गया टेलो नेविकुलर, तो इस तरह से यहाँ पर जॉइंट बनता है। अब फ्रेंड बात करें जैसे कि मिड फुट, तो मिड फुट में हमारी बोन आती नेविकुलर, कुबोइड और क्यूनिफॉर्म की यहाँ पर तीन बोन पाई जाती है, जो कि जैसे कि मिडल, एंटर, इस तरह से वहाँ पर शिफ्टिंग होती है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर बात करेंगे हम फोर फुट यानी आगे वाला हिस्सा, जिसमें फ्रेंड पाई जाती है यहाँ पर मेटा टार्सल और फेलेंजस, यानी हमारी उंगलियां और उससे ऊपर वाली जो बोन देती है, जो लंबी लंबी एक तरह से आपको दिखाई देती है कि ये हमारी फेलेंजस है, इसके ऊपर आपको लंबी सी बोन दिखाई देती है, तो उन्हें हम बोलते हैं मेटा टार्सल बोन। अब फ्रेंड जैसे कि हमने बात की कॉलम, मिडल कॉलम और लेटरल कॉलम को आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर के द्वारा। फ्रेंड यहाँ पर हम सब बात करेंगे हमारे मिड फुट के बारे में कि यहाँ पर फ्रैक्चर कैसे हो सकता है और फ्रैक्चर होने पर आपके कितने दिन में लगभग वो जुड़ जाता है। मिड फुट यानी फ्रेंड मिड फुट में हमने जैसे कि बात करी, यहाँ पर बोन पाई जाती है नेविकुलर, कोबोइड और तीन क्यूनिफॉर्म बोन पाई जाती है, जो कि एक तरह से जैसे कि मिडल साइड में, एंटर साइड में, इस तरह से वहाँ पर होती है। और फ्रेंड इसके अलावा यह बोन एक तरह से हमारे एक आर्च का निर्माण करती है, यानी किसके साथ में, जैसे कि लिगामेंट हो गया, आपके मसल्स के साथ में वो आर्च का निर्माण करती है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल आर्च बनाएगा, उसके बाद ट्रांसवर्स आर्च बनाएगा, जो फ्रेंड आर्च हमारे एक फुट को शेप देने का कार्य करते हैं। और हमारा जैसे कि फुट हम चलते हैं तो वहाँ पर सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब फ्रेंड बात करें यहाँ पर फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर एक्सियल फोर्स यानी ऊपर से जैसे कि आप जंप करते हो तो एक्सियल फोर्स लगने की वजह से हो सकता है, आपका फुट का ट्विस्टिंग होने की वजह से हो सकता है, उसके अलावा आपका ट्विस्ट विद रोटेशनल, मतलब ट्विस्ट के साथ में कहीं रोटेशनल मूवमेंट हो जाए, आपका जैसे कि प्लांटर फ्लेक्शन है, सेमी प्लांटर फ्लेक्शन, कुछ प्लांटर फ्लेक्शन में उसमें आप जैसे कि जंप कर गया, उसमें भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको किसी प्रकार से फ्रैक्चर हो सकता है, कोई हैवी चीज़ आपके फुट पर गिरने की वजह से यहाँ पर आपको फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रेंड बात करें डायग्नोस जैसे आपको पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस या अनेबल टू वॉक, चलने में आपको तकलीफ होती है, तो ये तो साइन सिम्टम्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपके करवा लिए जाते हैं यहाँ पर एक्सरे, तो एक्सरे में क्लियर हो जाता है कि भाई आपको किस तरह का यहाँ पर फ्रैक्चर है, जैसे कि फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है या फिर कौन से पार्ट का फ्रैक्चर, तो वहाँ पर क्लियर हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लान होता है। अब फ्रेंड बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो हम कहीं बात कर चुके हैं जैसे कि डिस्प्ले, नॉन डिस्प्ले, इसमें डिवाइड कर दिया जाता है, साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा डिसलोकेशन। अब जैसे कि अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, तो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर में आपको बिलो नी यहाँ पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जो कि आपका रहेगा 6 to 12 weeks का। और फ्रेंड जिससे प्लास्टिक को चढ़ाया जाता है, भाई आपके बोन इमोबिलाइज है, हिले डुले नहीं, ताकि बोन जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। फ्रेंड उसके अलावा हम बात करें डिस्प्लेस फ्रैक्चर, तो यहाँ पर क्या होता है, मैनिपुलेशन या रिडक्शन के द्वारा जो बोन है उसको अपनी जगह लाने का प्रयास किया जाता है। अगर बोन अपनी जगह आ जाती है तो वहाँ पर भी प्लास्टर अप्लाई कर दिया जाता है। कभी कभार फ्रैक्चर विद डिसलोकेशन होता है, हो सकता है दूसरी बोन के साथ में, अगर मैनिपुलेशन रिडक्शन से वो अपनी जगह आ जाती है तो यहाँ पर आपको
प्लास्टर कर दिया जाता है, जो कि आपका रहेगा 6 to 12 वीक का। अब फ्रेंड अब बात करें जैसे फ्रैक्चर विद डिसलोकेशन, जैसे कि फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, मैनिपुलेशन या रिडक्शन वो नहीं आता है, तो यहाँ पर सर्जिकल ओपिनियन का एडवाइस किया जाता है, जिसमें आपकी के वायर स्क्रू वगैरह का यूज़ किया जा सकता है। उसके आने दिन आपको प्लास्टर अप्लाई किया जा सकता है, जो कि आपका रहेगा 6 to 10 वीक का या फिर 6 to 12 वीक का। फ्रेंड बताया उस टाइम में लगभग आपकी हड्डी जुड़ जाती है। फ्रेंड अब कुछ लोगों के यहाँ पर सवाल बनते हैं कि सर क्या प्लास्टर के अंदर चला जा सकता है? फ्रेंड यहाँ पर प्लास्टर के अंदर आप चल सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी इंजरी पर, आपका पेन कितना है, सीवियरिटी, उसके अलावा यहाँ पर वो एक्सरे देखने के बाद ही पता चलता है और आपका डॉक्टर एडवाइस करते हैं भाई आप यहाँ पर चल सकते हैं या नहीं। अब फ्रेंड यहाँ पर सवाल बनता है कि सर जैसे कि मतलब हड्डी जुड़ चुकी है, मेरे को प्लास्टर निकाल दिया है, अब चलने के दौरान मेरे को वहाँ पर पेन भी बनता है, सूजन भी बनती है, थोड़ा रेस्ट करने पर कम भी हो जाता है, तो ये कितने दिन में ठीक होगा? फ्रेंड फ्रैक्चर के बाद में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन में आम सी बात होती है। फ्रेंड इस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो इसका वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि आप कैल्केनियम बोन के बारे में जानना चाह रहे हो, कैल्केनियम बोन का फ्रैक्चर कितने दिन में जुड़ जाता है, टेलर बोन का फ्रैक्चर कितने दिन में जुड़ जाता है, यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो फ्रेंड इन सभी वीडियो के लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।